बिहार में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव काफी तत्पर दिखाई देते हैं। अब इसी के तहत उन्होंने बिहार विधानसभा में अपने विभागीय बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर सुपौल, मुंगेर और गोपालगंज में नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्तियां होंगी। सदन में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार के जिलों में ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी, जिससे अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना नहीं आना पड़ेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 1,60,000 नई नियुक्तियां होंगी, साथ ही 8,000 पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा आशा कर्मी के मानदेय बढ़ाने को लेकर भी विचार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के अंदर जल्द ही 11 नए ट्रॉमा सेंटर और 3 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, जिसमें NHSH की दुर्घटना से पीड़ितों का इलाज हो सकेगा। ANM और हेल्थ मैनेजर का भी स्टेट कैडर बनेगा और नई रेफरल पॉलिसी से प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। इसके अलावा उनके तरफ से जो मिशन 60 सदर अस्पतालों के लिए शुरू किया गया, उसे अब PSC तक लागू किया जाएगा। हर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना दुरुस्त किया जाएगा कि लोगों को अपने ही जिलों में बेहतर और उचित इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल और साथ ही सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली OPD की सुविधा का समय में बदलाव किया गया है। अब बिहार के लोगों को OPD की सुविधा दोपहर के बाद भी मिल सकेगी। आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव ने संभाला है। तब से वो आए दिन आला अधिकारियों की बैठक बुलाकर पूरे विभाग को अलर्ट मोड पर काम करने का निर्देश देते रहते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी खुद भी विभागीय मंत्री देर रात औचक निरीक्षण पर निकल जाया करते हैं। इसके अलावा वो इसमें सुधार को लेकर कई तरह की नई स्कीम भी लागू करते रहते हैं। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।